हेलो फ्रेंड्स, टुडे आपको मैंने जो कल के सेशन में 20 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, आई होप आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में इश्यूज होंगे, कुछ क्वेश्चन में अगर कुछ कन्फ्यूजन का प्रॉब्लम्स आए होंगे, तो आज के इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, आपको जो सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर वन, इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर वन आपको दिया था द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल, बच्चों वर्ड देखना क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20.5 ऐसा दिया हुआ है। एंड फाइंड देयर सम, क्या फाइंड आउट करना अपने को, वो सारे के सारे जो नंबर्स है उनके क्या करना है आपको, सम। मुझे बहुत आसान सा कंसेप्ट था, द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20.5। सो आपको जो क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है वो एवरेज कितना है, 20.5, ये क्या आपका एवरेज है। एंड अगर अपने को सम फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, सम, तो सम इज इक्वल टू बनता है एवरेज मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, बराबर ना। सम क्या बनती है, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। सो एवरेज तो आपको ऑलरेडी पता है, नाउ अपने को फाइंड आउट क्या करना है, सम। फाइंड आउट क्या करना है, सम, जिसके लिए सम के लिए एवरेज इनटू क्वांटिटी करना है। एवरेज ऑलरेडी आपको पता है, एवरेज आपके पास में दिया हुआ है, बट क्वांटिटी चाहिए। सो क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए अपने काम करो, मेरे को बताइए कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना, ध्यान से देखना। तो मेरा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, इस टाइप से मेरे को चलना है। एंड बच्चों अगर आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने एवरेज टॉपिक का बेस डिस्कस किया था, और जब भी कोई नंबर सिक्वेंस में होते हैं, नंबर के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल होता है, तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बोला था फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों की टोटल का हाफ, फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों की टोटल का हाफ अपने को करना है, तो आपका एवरेज बन जाता है। नाउ फर्स्ट नंबर है 1, 1 का हाफ बनता है 0.5, इसका मतलब है जो लास्ट नंबर रहेगा इसका हाफ 20 आना चाहिए, सो दैट आपका एवरेज हो जाएगा 20.5। सो मेरे को बताइए लास्ट नंबर यहां पर कौन आएगा आपका, तो अगर लास्ट नंबर का हाफ 20 है, इट मींस ये लास्ट नंबर कौन है, 40। इसका मतलब यहाँ पर ये सीक्वेंस में टोटल नंबर कितने लिखे हुए हैं, 40। तो आपका जो एवरेज बनेगा वो आएगा 20.5, एंड क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 40। अपने को क्या चाहिए था, सम, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 205 इंटू 40, तो ये 205 इंटू 4, 0 और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, एंड 205 इंटू 4 अगर मैं करता हूँ तो बच्चों इसका आंसर बनता है 820, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर 820। क्लियर, यस, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एवरेज ऑफ एम नंबर इज एन स्क्वायर, एवरेज ऑफ एम नंबर इज एन स्क्वायर एंड दैट ऑफ एन नंबर इज एम स्क्वायर, दैट ऑफ एन नंबर इज एम स्क्वायर, ऐसा अपने को दिया हुआ है, और फाइंड आउट क्या करना है, देन द एवरेज ऑफ एम प्लस एन पूछा क्या अपने को, एवरेज ऑफ एम प्लस एन, एवरेज ऑफ एम प्लस एन बच्चों फाइंड आउट करना, एवरेज ऑफ एम प्लस एन यानी टोटल क्वांटिटी हो जाएगी आपकी एम प्लस एन। मेरे को बताइए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर मैं चलता हूँ, तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पर सम अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, सम होता है एवरेज मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, तो देखो मैं डायरेक्टली सम लिख लेता हूँ, तो इनका सम आएगा एम एन स्क्वेयर, एंड ये सेकेंड वाले की जो सम है ये आएगी एन एम स्क्वेयर, ये होगा आपकी टोटल सम, और इसको डिवाइड किससे करना है, क्वांटिटी, और क्वांटिटी बनती है एम प्लस एन, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाता है इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है। अब देखो बच्चों ऊपर मैं एम एन कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर भी एम एन दिया हुआ है, यहाँ पर भी मेरे पास में एम एन है, तो मैं एम एन अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरा कॉमन क्या बनेगा, एम एन कॉमन आ जाएगा, एम एन कॉमन निकाल दूं तो ये फर्स्ट वाली केस में बैलेंस बचेगा मेरे पास एन, एंड ये सेकेंड वाली केस में मेरे पास बैलेंस बचेगा एम, और डिवाइड में कौन आ जाएगा मेरा, एम प्लस एन। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपने देखा तो एम प्लस एन तो कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास यहाँ पर बचेगा कौन आंसर में, तो आंसर आएगा आपका एम एन। जो क्वेश्चन ने पूछा था एवरेज ऑफ एम प्लस एन, ये क्या आएगा आपका, एम एन। क्लियर क्वेश्चन, यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या दिया हुआ है,
बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई, सॉरी ए बी सी डी ई आर फाइव कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, एवरेज ऑफ ए एंड ई इज 46, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। जो ध्यान से देखना, ए बी सी डी एंड ई, ये पांच नंबर है बराबर। क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर आपने सही तरीके से सॉल्व किया क्वेश्चन बहुत आसान था, ये आपके पांच नंबर और आपको फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट क्या करना, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर इज नथिंग बट कौन है आपका, ये ई। मीन्स अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, ई की। एक चीज आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको ऐसा भी बोला हुआ है कि जब भी हम लोग एवरेज फाइंड आउट करते हैं और नंबर के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल होता है तो मिडल वैल्यू इज द एवरेज। विच वन? मिडल वैल्यू इज द एवरेज। तो यहाँ पर मिडल वैल्यू कौन है, सी। एंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको जो एवरेज दिया हुआ, जो ध्यान से देखना, एवरेज किसका दिया, एवरेज ऑफ ए और ई, एवरेज ऑफ ए और ई, एवरेज ऑफ ए और ई, ये दिया हुआ आपने को 46 बराबर। अब एवरेज ऑफ ए और ई अगर 46 है, एवरेज ऑफ ए और ई अगर 46 है, तो मेरे को बताइए, मैंने आपको ये बोला था इन दोनों के टोटल का हाफ करो तो भी काम चलता है, याद होगा ना आपका, जब डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है तो फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों के टोटल का हाफ कर लो तो भी आपका एवरेज बनता है, मिडल वैल्यू भी आपकी एवरेज ही होती है, यस और नो। अब ध्यान से देखना, जैसा ए और ई इन दोनों के टोटल का हाफ, इन दोनों के टोटल का हाफ क्या बना हुआ है, 46। अब इन दोनों के टोटल का हाफ अगर 46 बन रहा है, इसका मतलब सी का वैल्यू भी तो 46 ही आएगा ना, बिकॉज ए और ई का हाफ एंड सी इज इक्वल टू सेम आने वाला, ई ए प्लस ई डिवाइड बाय 2, टोटल का हाफ या हाफ का टोटल ऐसा आपको बोला हुआ है, ये आपका एवरेज है, इज इक्वल टू सी, यस नो। और फर्स्ट एंड लास्ट के टोटल का हाफ 46, क्वेश्चन बता रहा है यानी सी का वैल्यू 46 आ गया, आपको चाहिए इवन नंबर। तो ध्यान से देखो बच्चों, सी की वैल्यू 46 है तो डी का वैल्यू हो जाएगा 48 और ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50। और क्वेश्चन ने बोला था लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन अपना, 50। तो जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या दिया हुआ है। आउट ऑफ थ्री नंबर, आउट ऑफ थ्री नंबर, तीन नंबर है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे आपके ए बी सी तीन नंबर है, आउट ऑफ थ्री नंबर हुज एवरेज इज 60। बच्चों इन तीनों का एवरेज 60 है, इसका मतलब इनका सम 180 आने वाला है, एवरेज 60 है तो 60 60 60 टोटल इज 180। फाइंड आगे क्या देखो, ध्यान से देखना, द फर्स्ट इज, द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर, 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर। तो ध्यान से देखना, अदर में कौन आएगा, बीसी, अदर में कौन आएगा, बीसी, और बीसी का 1/4 कौन है, ए, बीसी का 1/4 कौन है, ए। तो मैं ऐसा एज्यूम कर ले, तो मेरे को 1/4 फाइंड आउट करना, तो 4 का मल्टीपल ले लेता हूं, बी प्लस सी इज इक्वल टू 4x, सो ए का वैल्यू बन जाएगा x, 4x का 1/4 बन जाएगा x, विच इज इक्वल टू 180। नाउ 4x प्लस x होता 5x, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 5 चलेगा, एंड डिवाइड बाय 5 का मतलब सिंपल होता है नंबर का डबल करके जीरो निकाल दो, तो 180 का डबल बनता है 360, इज जीरो कैंसिल, x का वैल्यू कितना बना, 36। और अपने को बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने भी क्या पूछा था, द फर्स्ट नंबर, एंड द फर्स्ट नंबर कौन है, ए, सो ए इज इक्वल टू आंसर क्या बनेगा अपना, 36, ये आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, क्लियर, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया था आपको, द एवरेज सैलरी ऑफ 15%, एवरेज सैलरी ऑफ 15% इज 5500। 15 लोगों की एवरेज सैलरी 5500। आगे, इफ द सैलरी ऑफ 1% इज एडेड, सैलरी ऑफ 1% इज एडेड, एडेड द एवरेज इंक्रीज टू ₹5700। यानी एक आदमी यहां अगर प्लस कर दिया तो एवरेज हुआ 5700 चलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सैलरी ऑफ दिस 1%, जो नया आदमी वहां पर आया हुआ है, द सैलरी ऑफ दैट न्यू पर्सन आपको ऐसा पूछा था। नाउ द सैलरी ऑफ दैट न्यू पर्सन अगर अपने को पूछा है तो एकदम सिंपल सिंपल कंसेप्ट, अपन ने जो बेस डिस्कस किया था उसके हिसाब से आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को बताइए, बिकॉज ऑफ दैट न्यू पर्सन एवरेज इंक्रीज कितने से हुआ, सो इनिशियल एवरेज 5500 था, 5700 गया, सो एवरेज इंक्रीज बाय 200,
एवरेज इंक्रीज बाय 200। यहाँ का एवरेज कितने से बढ़ा आपका 200 से। ओके इसका मतलब वो न्यू पर्सन जो भी था उसने सबको 200 200 रुपीस दिया था, एज पर बेसिक जो अपना कंसेप्ट था उसके हिसाब से न्यू पर्सन ने रिमेनिंग सबको 200 रुपए दिया। तो वहां कितने लोग थे, तो 15। तो आप क्या करोगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 200, 15 मल्टीप्लाइड बाय 200 व्हिच इज इक्वल टू 3000 रुपीस उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड ये डिस्ट्रीब्यूट करने का पर्पस होता है बैलेंसिंग करना, इक्वल करना। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दैट न्यू पर्सन एंड ओरिजिनल क्राउड जो था, इन सबका वैल्यू क्या हो गया, सेम वैल्यू क्या हो गया, सेम। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो न्यू एवरेज बना हुआ 5700, तो सबके पास वैल्यू बनेगी 5700। इसका मतलब जो नया आदमी आया था उसने 3000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया, 5700 खुद के पास बचाया, ऐसा टोटल उसने लाया था 8700। जो क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट इज द सैलरी ऑफ दैट न्यू पर्सन, वो आंसर आएगा 8700, ऑप्शन नंबर 1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 केजी। अगेन 24 स्टूडेंट इज 35 केजी, 24 स्टूडेंट्स का एवरेज 35 केजी दिया हुआ मेरे को। If the weight of teacher is added, the average increase by 400 grams. Average increase by 400 and plus 1 candidate कर दो तो ये average होएगा 35.4 kg. 400 gram is 0.4 kg. बराबर। What is the weight of teacher? Same to same जो इससे previous वाला question solve किया था, same pattern. Distribution कितना होता find out कर लीजिए आप। तो देखो distribution होगा मेरे पास 24 candidates एंड पर कैंडिडेट 0.4 केजी। सो 24 फोर जा 96, तो होगा 9.6 केजी का डिस्ट्रीब्यूशन की पर कैंडिडेट 400 ग्राम मटेरियल अपन दिया, पर कैंडिडेट 400 ग्राम मटेरियल अगर आपने दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन जगह 9.6 केजी का। एंड आफ्टर दिस डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू क्या होगी सबकी, सेम। सो द न्यू एवरेज दैट इज बैलेंस इज इक्वल टू 35.4 और इन दोनों का आप टोटल कर लीजिए तो इन दोनों का टोटल बनता है 45। सो अपने को जो न्यू पर्सन का वैल्यू पूछा था वो कितना आएगा, 45। ये आएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या दिया था। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वॉज 32। 10 इनिंग्स का एवरेज उसका 32 है। How many runs must he score in his next inning so as to increase his average of runs by 4? बच्चों देखो बहुत आसान सा कंसेप्ट है। आपको क्या लगता है इन द 10th 10 इनिंग, इन द 10 इनिंग उसका जो एवरेज है वो कितना है, 32। नाउ उसको एवरेज इंक्रीज करना है कितने से, 4 से। अब बच्चों एवरेज 4 से इंक्रीज करना है, इसका सिंपल सिंपल मतलब आप ऐसा अज्यूम करो कि जब कोई नया कैंडिडेट आएगा, नई इनिंग खेली जाएगी, जब नई इनिंग का स्कोर आएगा उसमें से ये एग्जिस्टिंग इनिंग्स ये सबको 4-4-4-4 आपको देना है। तो आपको वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 10 मैचेस पर मैच 4 इज इक्वल टू 40, तो इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ में द न्यू एवरेज बिकम्स और न्यू रिक्वायर्ड एवरेज बिकम्स, इनिशियल एवरेज कितना था आपका 32, इसको इंक्रीज करना है 4 से तो न्यू एवरेज बन जाएगा 36। एंड आपको 40 डिस्ट्रीब्यूट करना है और खुद के लिए 36 लाना है, ऐसा टोटल लाना पड़ेगा 76, क्लियर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, 76, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 10 केजी ऑफ राइस प्राइस एट रुपीज 10, 10 केजी ऑफ राइस प्राइस एट रुपीज 12 पर केजी, 12 पर केजी बोला है, 10 केजी इसका रेट है 12 पर केजी। मिक्स विथ 6 केजी ऑफ राइस प्राइस एट रुपीज 16 पर केजी, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द होल मिक्सचर। एकदम सिंपल सिंपल काम है, आपने 10 केजी परचेस किया 12 रुपीज के हिसाब से, 6 केजी परचेस किया 16 के हिसाब से, और आप इन दोनों क्या करने वाले हो, मिक्स, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद एवरेज फाइंड आउट करना। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कर लेते हैं। सो देखो टोटल एक्सपेंडिचर 12 इंटू 10 ये होगा 120 रुपए का खर्च, प्लस 16 रुपीज पर केजी के हिसाब से 6 केजी अलग से परचेस किया,
सो 16 इंटू 6, 16 सिक्सा 96 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल मटेरियल था 12, 16, ये आपके रेट थे, ये आपकी क्वांटिटी। सो आपके पास जो टोटल क्वांटिटी है, दैट टोटल क्वांटिटी बिकम्स कितना हुआ 16, तो आप इसको 16 से डिवाइड कर लीजिए, इज इक्वल टू 120 प्लस 96, 120 प्लस 96 ये बनता है 216 डिवाइड बाय 16, ये आपका आंसर बन जाएगा। एंड 216 डिवाइड बाय 16 आपको करना है, कैसे करोगे? तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, 4 आएगा, ऊपर अगर मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ तो बनेगा 54, सो आंसर बनेगा 54 बाय 4। एंड 54 को अगर अपन 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर बनता है 13.5। कहाँ पर 13.5 हो? यस, ऑप्शन नंबर 4, ये बन जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 9 देखो। एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6, एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6, द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2। एकदम आसान सा कांसेप्ट है, जो बहुत आसान है। देखो 5 क्वांटिटीज का एवरेज है 6, तो 5 इनटू 6 सम कितनी होगी इनकी, 30। आउट ऑफ दिस 5 क्वांटिटी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4, तो 3 इनटू 4 कितना होता है 12, ये माइनस कर देता हूं। सो 30, 30 ये जो सम था, ये सम था 5 लोगों का, ये सम है 3 लोगों का, तो 5 में से 3 लोग है तो बचे कितने लोग, 2 लोग, और उन दोनों का टोटल 30 माइनस 12 बनता है 18, ये 18 कितने लोगों का है 2, इज इक्वल टू आएगा 9, क्वेश्चन सॉल्व खत्म। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 6.9, इफ वन ऑफ देम इज एडेड, इफ वन ऑफ द नंबर इज सॉरी डिलीटेड, वन ऑफ द नंबर इज डिलीटेड, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 4.4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर डिलीटेड। सेम जैसा अपन इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट था, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 6.9, तो आप इसका सम निकाल लीजिए, एवरेज इनटू क्वांटिटी इट बिकम्स सम, एवरेज इनटू क्वांटिटी, एवरेज ऑफ 6.9 क्वांटिटी 5, तो 6.9 इनटू 5 अगर मैं कर लेता हूँ तो ये बनता है 34.5, चलेगा 34.5, 5 इंटू 6.9 मैंने कर लिया, ये आ गया मेरा 34.9, एकदम सिंपल था ना, इसको मैंने 7 एज्यूम कर लिया, 7 5 से 35, बट 10 पैसा कम है, 10 10 10 5 टाइम्स तो 50 पैसा कम कर दिया 35 में से। यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ वन वैल्यू इज डिलीटेड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 इज 4.4, यस, तो 4 क्वांटिटीज का एवरेज 4.4, तो 4 इंटू 4.4, 4 इंटू 4.4 ये बनता है 17.6। बच्चों मेरे को बताइए, ये टोटल थी 5 लोगों की, ये टोटल है 4 लोगों की, तो इन दोनों में जितना वेरिएशन है, जितने से टोटल कम हुई है, वो नंबर कौन सा रहेगा, दैट डिलीटेड, तो इन दोनों का क्या करना अपने को, डिफरेंस करो माइनस 5, 15 माइनस 6 यहाँ पर आएगा आपका 9, ये पॉइंट अगेन यहाँ पर 4 और ये 7 कितना आएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या आएगा 1, तो आंसर इज 16.9, ये आपका डिलीटेड नंबर है, क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिलीटेड नंबर, तो जो नंबर आपने वहां से निकाल दिया उसका वैल्यू कितना बनना है 16.9। यस, 11, द एवरेज एज ऑफ, एवरेज एज ऑफ सीमा, सपना, आशा, कविता एंड अत्रय इज 40 इयर्स। अब जो देखो इसमें कितने लोग थे, 5 लोग थे, 5 यानी कौन कौन, सीमा, सपना, आशा, कविता, अत्रय इज 40, सिंपली इन 5 लोगों की टोटल आ गई 200, सम ऑफ ऑल 5 इज इक्वल टू 200, 5 इंटू 40 कर लो सम बन जाता 200, बराबर है, ठीक है, आ गया। द एवरेज एज ऑफ सीमा एंड सपना इज 35 इयर्स, एवरेज ऑफ कौन कौन, सीमा एंड सपना कितना है 35, तो इन दोनों का टोटल आता है 70, अगर वो माइनस कर दूं बचा 130 रिमेनिंग तीन लोग, 130 रिमेनिंग तीन लोग, नेक्स्ट आ गया। एंड एवरेज ऑफ आशा एंड कविता, आशा एंड कविता इज 42, आशा और कविता का एवरेज 42 दिया, आशा कविता का एवरेज 42 है, इसका मतलब उनका सम बनेगा 84, और वो 84 भी अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ बच्चों तो मेरे पास देखो क्या बचता है 0, 10 माइनस 4 यहाँ पर आएगा 6, 4 कितना बचा 46, तो ये 46 बचे किसके, रिमेनिंग कैंडिडेट की, टोटल कितने लोग थे 5, 5 में से
ये दो लोग 70, दो लोग 84 गया, तो ये बचा आखिरी वाला कैंडिडेट आपका। और क्वेश्चन ने पूछा एज ऑफ अत्रे दैट द रिमेनिंग कैंडिडेट इज अत्रे, और अत्रे का वेट कितना है 46, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 46। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 10.9, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 10.5 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 6 इज 11.4, फाइंड द मिडिल नंबर। सिंपल सा काम है, देखो एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 10.9, चलेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा, ध्यान से देखना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 10.5 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 नंबर इज 11.4, फाइंड द लास्ट। बच्चों मेरे को बताइए टोटल क्वांटिटी एज पर क्वेश्चन 11 था, बट यहाँ पर 6 प्लस 6 और 12 बता रहा है। अब सोचिए आउट ऑफ 11 अगर मैं फर्स्ट 6 निकाल दूं, सपोज 11 लोग हैं, फर्स्ट 6 निकाल दूं तो आखिर में कितने बचे, 5। बट क्वेश्चन बोलता लास्ट 6, इसका मतलब ये लास्ट 6 में 5, और ये जो 6th वाला पर्सन है, ध्यान से देखना, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल 11 लोग है, अभी 11 में से इधर 6 लोग, इधर 5 लोग, फर्स्ट 6 बोल दिया तो आपने ये 6 लोग ले लिया। अब अगर क्वेश्चन लास्ट 6 बोल रहा है बच्चों, तो लास्ट 6 में अपने को ये ऐसा लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो एक बीच का कैंडिडेट था 6th वाला पर्सन, वो दो बार ऐड किया गया है। सिंपल कंसेप्ट समझे आपको, 12 लोग कैसे हो गए, तो जो मिडिल कैंडिडेट था द सिक्स्थ पर्सन, इसका दो बार एडिशन हुआ है। अब अगर इसको दो बार मैंने ऐड किया तो मेरा सम भी बढ़ जाएगा, मेरा टोटल भी बढ़ जाएगा, यस नो। और जितने से मेरी टोटल बनी है बढ़ेगी, वो कौन रहेगा, वो 6th। और क्वेश्चन ने पूछा भी अपने क्या था, फाइंड द मिडिल, मिडिल कौन यानी 6th वाला पर्सन, ये आपको पूछा था। आसान सा काम था, आप क्या करोगे ध्यान से देखो, 6 × 10.5। अब मुझे बताओ 6 × 10.5 की अगर मैं बात करता हूँ तो 6 × 10.5 बनता है 63, एंड 6 × 11.4, 6 × 11.4 ये बनता है 68.4। आप इसका टोटल कर लीजिए 0.4, 8 प्लस 3 11 का 1 कैरी 1, यह आगे आपका सम। नाउ ये जो 131 सम आया हुआ है, ये सम कितने लोगों का है, 12। इसमें से ओरिजिनल 11 लोग मैं माइनस कर देता हूँ, तो आपके पास जो एक बच जाएगा वो रिपीट वाला जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया वो बच जाएगा। अब 11 लोगों का सम कितना, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 × 10.9, बोलिए 11 × 9 = 99 का 9 कैरी का 9, 11 × 0 = 9 एज इट इज, 11 × 1 = 11, ये पॉइंट करो माइनस 4, 14 − 9 = 5, चलेगा ना, यस। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, सो 11.5 ये कौन बनेगा आपका 6th रिजल्ट। आपको जो पूछा था ना मिडिल कैंडिडेट कौन है, 6th वाला पर्सन कौन है, तो आंसर इज 11.5, कहाँ पर ऑप्शन 3rd। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे इज 48 एंड फ्रॉम ट्यूजडे टू फ्राइडे द एवरेज टेम्परेचर इज 52। जो ध्यान से देखना, टेम्परेचर फ्रॉम मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे एंड थर्सडे कितना दिया हुआ अपने को, 48 डिग्री, ये एवरेज है, ये एवरेज है, मैंने यहाँ प्लस के साइन लिखा, ये 48 डिग्री एवरेज था, सम के लिए इंटू फोर करना पड़ेगा, ध्यान रखना, आ गया। एंड फ्रॉम ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये एवरेज कितना दिया अपने को, 52 डिग्री, इंटू फोर कर लो सम हो जाएगी, ठीक है। आपको इंटू नहीं करना है, मैं सिर्फ लिखा हुआ है, आप ओरली कैलकुलेशन करोगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे, ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे, ये दोनों तो कॉमन है, थ्री डेज आपके कॉमन है, यस नो। अब अगर ये 3 डेज कॉमन है तो देखो क्या हुआ बच्चों, ये मंडे की रिप्लेसमेंट हुई फ्राइडे से, मंडे की रिप्लेसमेंट हुई फ्राइडे से, एंड सोचो जितना टेम्परेचर मंडे का था उतना ही फ्राइडे का होता, जितना टेम्परेचर मंडे का था उतना ही फ्राइडे का होता, तो एवरेज चेंज होता क्या, नहीं। बट यहाँ पर एवरेज इंक्रीज हुआ कितने से, सो एवरेज इंक्रीज बाय 4, बिकॉज 48 एवरेज था 52 हो गया, 48 था 52 हो गया, एवरेज इंक्रीज बाय 4, और एवरेज जो 4 से इंक्रीज हुआ वो कितने लोगों का हुआ, तो 4 डेज का कंसेप्ट है, तो 4 × 4 = 16, इसका मतलब ये बनता है फ्राइडे का वैल्यू, किसका वैल्यू, फ्राइडे का वैल्यू कंपैरेटिवली मंडे
मंडे 16 ज्यादा है, 16 ज्यादा है, क्योंकि अगर मान लो जैसा क्वेश्चन ने बोला टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 42, तो सोचो मंडे 42 है और फ्राइडे भी 42 है, तो 42 गया, 42 एवरेज में नो चेंज, बट क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज इंक्रीज बाय 4, 48 का 52 एवरेज 4 से बढ़ गया, जब एवरेज 4 से बढ़ रहा तो सबको 4 4 मिलना चाहिए, 4 4 से 16 एक्स्ट्रा आएगा, यस और नो? सो आपको जो पूछा था टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे इज इक्वल टू, ये आपका 42 होगा मंडे का, प्लस एक्स्ट्रा कितना चाहिए 16, सो 42 प्लस 16 इट बिकम्स 58, तो आपका आंसर बनेगा 58, ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर, क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल्स ऑफ, बच्चों सिंपल कांसेप्ट है 25 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 का फर्स्ट मल्टीपल आएगा 5 एंड लास्ट मल्टीपल आएगा 125, 25 5 इज 125, यस और नो? और एवरेज के लिए अपन ने पढ़ा हुआ ये मल्टीपल वाला कांसेप्ट है, मल्टीपल का मतलब डिफरेंस क्या रहने वाला, सेम 5 10 15 20 एंड सो ऑन, सो जब डिफरेंस सेम होता है तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों के टोटल का आधा, इन दोनों के हाफ का टोटल, तो अपन यहाँ इन दोनों के टोटल का आधा कर लेते हैं, 5 प्लस 125, 5 प्लस 125 डिवाइड बाय 10, आंसर बनेगा 65, तो ऑप्शन आएगा 1, ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर, क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया था, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इन 1999 हु स्पेंट रुपीज 76535 इन द फर्स्ट हाफ ईयर एंड 88165 इन द लास्ट, पर जो सिंपल सा सिर्फ कैलकुलेशन करना है, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट हाफ ईयर में उसका एक्सपेंस था 76535 एंड इन द लास्ट में क्या था 88165 डिवाइड बाय, आपको पूछा क्या था, व्हाट वाज द एवरेज डेली एक्सपेंडिचर, एवरेज डेली एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इन 1999, अभी 1999 दिया हुआ है तो 1999 तो नॉर्मल ईयर है, एक लीप ईयर का कांसेप्ट कुछ केसेस में आता है इसलिए यहाँ पर 1999 दिया हुआ है, सो इन नॉर्मल ईयर नंबर ऑफ डेज बनते हैं 365, सो 365 डेज का ही खर्चा है, क्लियर? तो आपको क्या करना था 76535 प्लस 88165 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 365, ये आपका आंसर आएगा, सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है, इज इक्वल टू जो 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 अगेन 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी 1, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर बन जाएगा, यस चलेगा, ठीक है चलो आप कर लोगे सॉल्व इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज ऑफ सिक्स नंबर इज 8, एवरेज ऑफ सिक्स नंबर इज 8, व्हाट इज द सेवंथ नंबर सो दैट एवरेज बिकम्स 10, सिंपली बच्चों आपको ध्यान होगा तो अभी थोड़ी देर पहले को क्रिकेट वाला क्वेश्चन हुआ था, इन द लास्ट इनिंग कितना स्कोर करना चाहिए ऐसा कुछ हुआ था, वो कुछ पीछे से लोग आते थे वो आने की वजह से जैसे टीचर आया तो एवरेज बढ़ गया, एक कैंडिडेट आया तो सैलरी बढ़ गई, ऐसा कुछ सॉल्व किया, सेम पैटर्न बहुत आसान है, एवरेज ऑफ सिक्स नंबर इज 8, व्हाट इज द सेवेंथ यानी प्लस वन कैंडिडेट सेवेंथ नंबर सो दैट एवरेज बिकम्स 10, अब जो एवरेज बिकम्स 10 है तो अपने दो कंसेप्ट थे, एक तो था डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा था बैलेंस, तो एवरेज 10 चाहिए इसका मतलब आपके पास में बैलेंस 10 होना चाहिए, यस नो? और बैलेंस सबके पास अगर 10 चाहिए तो वो जो 6 लोग हैं जिनके पास एट प्रेजेंट केस में उनका एवरेज अगर 8 है, 8 को 10 करना है तो 2 रुपये देना पड़ेगा ना, तो पर कैंडिडेट 2 रुपीज, जैसे कैंडिडेट 6, 6 इंटू 2 कितना 12, तो 12 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 रुपीज बचाना है, तो ऐसा आपको टोटल कितना चाहिए 22, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन 122, क्लियर? यस। नेक्स्ट 17, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ, फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज रुपीज 120 एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ इज रुपीज 130, हिज मंथली एवरेज इनकम, हिज मंथली एवरेज इनकम इफ ही सेव रुपीज 290 ड्यूरिंग द ईयर, पूछो देखो क्या होता है, किसी भी पर्सन का जो इनकम होता है ये इनकम वो आदमी या तो कहीं ना कहीं पर स्पेंड करेगा, खर्चा करेगा, एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं वो सेव करेगा, तो इनकम इज इक्वल टू बनता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक्सपेंडिचर क्या दिया दोस्तों, 12 इंटू 5 ये 600 एंड 130 इंटू 7 13 से 91 910,
ये जो है ये होगा आपके एक्सपेंसेस, ये क्या होगा आपके एक्सपेंसेस, इसमें अपन ऐड कर लेते सेविंग विच इज इक्वल टू 290। यस करोड़ जीरो जीरो, ये होगा आपका टोटल इनकम फॉर द ईयर 1800। यस क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द फाइंड इज मंथली एवरेज, फाइंड इज मंथली एवरेज। यस कितना फाइंड इज मंथली एवरेज, तो आंसर आएगा 1800 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 150। क्लियर? यस। देखो क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स, एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज 1900। 20 वर्कर्स का एवरेज 1900 दिया हुआ आपने। यस इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड द एवरेज बिकम्स रुपीज 2000, प्लस वन कर दिया एवरेज बिकम्स 2000, चलेगा? ठीक है। द मैनेजर्स एनुअल सैलरीज, पूछा क्या था मैनेजर्स एनुअल, क्वेश्चन ने ऊपर वर्ड लिखा हुआ मंथली, क्वेश्चन ने वर्ड क्या दिखा था मंथली, और मैनेजर का पूछा अपने को एनुअल। ध्यान से देखो, पहला काम मैं मैनेजर का मंथली सैलरी निकाल लेता हूं, मेरे को बताइए बिफोर मैनेजर एवरेज 1900 था और मैनेजर के बाद एवरेज 2000 हो गया, सो एवरेज इंक्रीज बाय 100। ये जो एवरेज इंक्रीज बाय 100, 1900 के 2000 हो गया, यानी एवरेज कितने से बढ़ा बच्चों, 100 से। एवरेज कितने से बढ़ा, 100 से। अब अगर एवरेज 100 से बढ़ रहा 20 लोगों का, तो वहां जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा 2000 का, एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर जो बैलेंस बचा हुआ है वो भी 2000 रुपये है, यानी टोटल कितना हो गया 4000, यानी मंथली इनकम हो गई 4000। मंथली इनकम 4000, आपको पूछा था एनुअल सैलरी इंटू 12 कर लीजिए, आंसर बनेगा 48000, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ क्लब हैज 15 मेन एंड 25 मेन, अ क्लब हैज 15 मेन एंड 25 वुमेन, द एवरेज एज ऑफ द मेन इज 10 इयर्स एंड एवरेज ऑफ वुमेन इज 12 इयर्स, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द होल क्लब। अभी थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, पर केजी कुछ मेटल मिक्स किया था आपने, सेम कांसेप्ट है। देखो 15 मेन, इनका एवरेज है 10 इयर्स, प्लस 25 वुमेन, इनका एवरेज कितना है 12 इयर्स, एंड कंबाइन एवरेज अगर आपको चाहिए तो टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना है 15 प्लस 25, ऐसे 40 कैंडिडेट्स, बोलो ये 150 प्लस 25 इंटू 12 बनता है 300 डिवाइड बाय 40 इक्वल टू 450 डिवाइड बाय 40, 0 0 कैंसिल कर लो, एंड 45 अपॉन 4, 45 अपॉन 4, सो 45 अपॉन 4 अगर अपन कर लेते हैं तो ये बनता है 11.25, तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 11.25 इयर्स। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या दिया था आपको, द एवरेज ऑफ 12 रिजल्ट इज 15, एवरेज ऑफ 12 रिजल्ट इज 15 एंड द एवरेज ऑफ, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 14, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 14, व्हाट इज द एवरेज द रेस्ट। बच्चों आसान सा कंसेप्ट था, 12 नंबर का एवरेज दे दिया एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 14, एवरेज ऑफ रेस्ट सिंपली 12 लोगों का एवरेज 15 है, तो अब 12 इंटू 15 कर लीजिए 180 आता है, चलेगा ना? इसमें से दो नंबर का एवरेज कितना है 14, तो 2 इंटू 14, 14 टू जा 28, यहाँ से अपन माइनस कर देते हैं, करो माइनस 0 माइनस 10 माइनस 8, यहाँ बचेगा 2 5 1। नाउ मेरे को बताइए 152 जो सम बचा हुआ है ये 152 10 लोगों का है, क्योंकि 12 में से दो लोग बचे कितने हैं 10, एंड 152 डिवाइड बाय 10 अगर आप करते हो तो आंसर बनता है 15.2, आंसर क्या आएगा 15.2। क्लियर? यस ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए थे। आई होप जो भी क्वेश्चन में आपको क्वेरीज थी, डाउट्स था, ये सारे आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आज फिर से बच्चों आपके पास में 20 क्वेश्चन का एक सेट आएगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व होने के बाद में अगले सेशन में फिर से सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ध्यान रखिए एट प्रेजेंट केस में जिस टाइप का सीन चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, ऑलमोस्ट हर जगह पर सारे रिस्ट्रिक्शन, सारा लॉकडाउन के बाद सारा बंद है, गवर्नमेंट का बोलना है, अपने प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं स्टे
स्टे एट होम, स्टे एट सेफ, ये जो भी आपका कंसेप्ट है, मैं आपसे ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक के लॉकडाउन नहीं खुलता है आप लोग आपके घर पर ही रहिए। आपकी प्रिपरेशन जो वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट होता है, जैसा जो ऑफिशियल लोग घर से काम करते हैं, सेम कंसेप्ट हम लोग भी एज अ स्टूडेंट, आप लोग भी आपके घर पर रहकर ही आपका काम करिए। जैसे ऑफिस वाले लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं, हम लोग स्टूडेंट है तो अपना काम क्या होता है, प्रिपरेशन पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग भी आपके घर पर रहकर ही आपकी पढ़ाई कर लीजिए। आपकी प्रिपरेशन के लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, इन बिटवीन कुछ इश्यूज आते हैं, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेम इस टाइप से आपके पास रोज कुछ क्वेश्चन एंड नेक्स्ट डे उसका डिस्कशन, ये पैटर्न में लॉकडाउन जब तक चलेगा इस टाइप से हम लोग अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहिए। यस चलेगा? यस। इसी तरह के अलग अलग वीडियोज और सोल्यूशंस के लिए अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, ये जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपके कोई फ्रेंड्स अगर होंगे जो सेम एग्जाम्स के लिए अगर कहीं पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ये वीडियो का लिंक उनके साथ में आप जरूर शेयर कर लीजिए। यस ठीक है, थैंक यू।